अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये देख रहे हैं सीनियर हमारे पाकिस्तान आने की खुशी में आज हम बना रहे हैं कटे की कढ़ाई। तो इसके लिए मैंने जो जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको पहले बताता हूँ। 1.5 किलो मैंने प्याज लिए हैं, 1 किलो हमारे टमाटर हैं काट लिए हैं, 1 किलोग्राम या 1 लीटर कुकिंग ऑयल है। तो सब्ज़ मिर्च तकरीबन 1 पाव है, सब्ज धनिया 2 गुछियाँ थी, और उसके बाद नमक 4 चमचियाँ है, सुरख मिर्च जो है वो 2 चमचियाँ है, हल्दी 2 चमचियाँ, ज़ीरा साबुत 2 चमचियाँ, पिसा हुआ धनिया तकरीबन 3 चमचियाँ है, और मोटी इलायची तकरीबन 6 से 7 हैं। तो गोश्त जो है हमारा वो अल्हम्दुलिल्लाह 10 किलो है, फ्रेश कटे का गोश्त है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का है। और अभी मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल शामिल करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं सबसे पहले कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद इसके अंदर गोश्त शामिल करता हूँ। इसको मैं इतनी देर तक भूनूंगा कि इसका पानी जो है वो ख़त्म हो जाए जी। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं हम इसको पकाते हुए, ये अपने पानी के अंदर ही पक रहा है। अभी मैं इसके अंदर शामिल करता हूँ प्याज। नमक, मोटी इलायची, और इसको अभी हम मज़ीद पकाते जाएंगे जब तक इसका पानी ख़त्म नहीं होता। जी अल्हम्दुलिल्लाह पानी हमारा तकरीबन खुशक होने वाला है। अभी मैं इसके अंदर शामिल करता हूँ टमाटर। लाल मिर्च, हल्दी, उधर हम अम्मी जान के लिए बना रहे हैं मुर्गी का गोश्त, क्योंकि वो बड़ा गोश्त नहीं खा सकते, और वालदा की खिदमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे भाई साहब हैं वो हंडिया तैयार कर रहे हैं मुर्गी की कढ़ाई। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी कढ़ाई बन रही है कटे की आज जी। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई साहब हैं, कज़न है भाई माने, मेरी हालत कर रहा है आज अल्हम्दुलिल्लाह। तीनों भाई आज हम बना रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से कढ़ाई बन रही है। अभी हम सब्ज़ मिर्च शामिल करते हैं, इसको हिला दो ज़रा। अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको और पकाएंगे, बाद में हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तकरीबन इसके अंदर 4 लीटर पानी शामिल करने लगा हूँ। जी पानी को डालने के बाद अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं कुछ मिनटों के लिए,
ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से पक जाए। और गोश्त भी हमारा जो है वो तकरीबन आधा गल गया था, बाकी जो आधा रहता है वो भी इंशाल्लाह इसमें गल जाएगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी जान की कढ़ाई तैयार हो गई है, थोड़ा सा हमने उसके अंदर शोरबा रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका चूल्हा अभी हम बंद करते हैं और देखते हैं अभी हमारी जो कढ़ाई है बाकी वो कुछ मिनटों के बाद इंशाल्लाह वो भी देखते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं कढ़ाई हमारी कैसी है। पानी इसका बहुत कम रह गया अभी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें बहुत अच्छे से बन गया हमारा गोश्त। अभी मैं इसके अंदर शामिल करता हूँ जीरा साबुत, धनिया पाउडर और ये साबुत धनिया। इसको एक दफा मिक्स कर लेता हूँ। हाँ जी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार है। अभी मैं इसको आग से नीचे उतार के दिखाता हूँ क्योंकि उधर इसका धुआं आ रहा है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कढ़ाई हमारी बन गई है। गोश्त इसका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो दोस्त नए हैं वो मेरे चैनल घोघा विलेज फूड को सब्सक्राइब और ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि पाकिस्तान से बहुत अच्छी वीडियो इंशाल्लाह आने वाली है अगले दिनों में, सारी का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो अगली वीडियो आने तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, तब तक अल्लाह आपका और हमारा हामी नासर हो। अस्सलामुअलैकुम।